इस वीडियो में हम लोग क्लास फिफ्थ का मैथ देखेंगे, मैथ प्रीवियस। और देखिए इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं मैथ में जो है एक्सरसाइज 3.2 पर। और देखिए आपको जो है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और आप लोग जो है घर पे इसे कंप्लीट करते रहिए देखिए, ताकि आप लोग का जो कोर्स है वो पीछे ना रहे, आप लोग जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट होता रहे। इसीलिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और आप लोग भी निरंतर लगे रहिए। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। और देखिए आपके जिन सहपाठियों को, आपके जिन मित्रों को यह पता नहीं है कि जो भी है जो आपको लिखवाया जा रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप लोग भी जो है आपके गाँव के जो बच्चे हैं उनसे कंसल्ट करते रहें या उनसे सलाह मशवरा लेते रहें कि आज जो है क्या पढ़ाया गया या जो कुछ भी है आपको अगर पता नहीं चलता है तो, या आपको कोई सॉल्व करने में जो है सवाल दिक्कत होती है, तो आप लोग अपने सहपाठी जो आपके आप जानते जिनको कि आपसे थोड़ा सा जो है ज़्यादा नॉलेज है तो उनसे भी आप लोग कंसल्ट करते रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 जो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखिए ऐड ही करना है, लेकिन हमें जो है इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो है लाइनिंग लिखा गया पूरा अच्छे से, और उसका जो है तब उसको जो है हमको ऐड करना है। तो यहाँ दिया अमूल मिल्क डेयरी सोल्ड इतना लीटर, यानी कि जहाँ पर पढ़ेंगे 1,100,000, 10,000,00,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, यानी 2 करोड़ जो है 5,12,670 liters ऑफ मिल्क इन 2010। इतना लीटर जो है अमूल मिल्क डेयरी वाले ने जो है 2010 में इतना लीटर दूध बेचा है, और 2011 में जो है उसने जो है इतना लीटर यानी कि जो है 27,35,438 liters मिल्क मोर, यानी कि जो पहले जो 2010 में मिल्क बेचा है, जो दूध बेचा है उससे जो है इतना यानी 27,35,34,38 liters अधिक 2011 में बेचा गया है। तो कह रहा हाउ मच मिल्क डिड इट सेल इन 2011, तो टोटल कितना दूध जो है उसने 2011 में बेचा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है कि कह रहा है कि 2011 में उसने कितना दूध बेचा है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा 2010 में जो बेचा गया दूध है और उसमें हम 2011 का जो मिल्क है उसको ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे अमूल मिल्क डेयरी इन 2010 इक्वल टू इतना, और उसके बाद अमूल डेयरी इन 2012 इतना, मतलब जो है उससे इतना अधिक बेचा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो टोटल जो है आंसर आ जाएगा दूध का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है लीटर, इतना लीटर वाटर वाज सप्लाइड इन द मंथ मई वाइल इतना लीटर मोर देन मई वाज सप्लाइड इन जून, कह रहा है कि इतना जो है पानी जो है सप्लाई किया गया मई में और उससे अधिक इतना जो है और अधिक जो है लीटर जो है जून में, यानी कि जून में भी जो है इतना लीटर जो है और अधिक जो है पानी सप्लाई किया गया। तो फाइंड द टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन 2 मंथ, तो दोनों महीनों का जो वाटर है उनको क्या करना है, दोनों महीनों में जो वाटर की क्वांटिटी है जो मात्रा है उसको कितना सप्लाई किया गया है बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको जो है ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा मई एंड जून, मई में कितना है और जून में कितना लीटर जो है किया गया है मोर देन मे वाज सप्लाइड इन जून। तो इतना यहाँ देखिए 5,12,47,651, यहाँ पर 4,80,03,000 इतना दिया हुआ है लीटर वाज वाटर मोर देन मई वाज सप्लाइड इन जून, इतना अधिक। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन 2 मंथ, दोनों महीनों में कितना जो है सप्लाई किया गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करा इन एन देखिए फोर थर्ड नंबर देखिए इन एन एग्जामिनेशन इतना स्टूडेंट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, इतना सेकंड डिवीजन और इतना थर्ड डिवीजन,
एंड इतना स्टूडेंट फेल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि टोटल नंबर जो है संख्या बताना है हमें जो है कि कितना बच्चे जो है कि परीक्षा में जो है बैठे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन इक्वल टू, सेकंड डिवीजन इक्वल टू, थर्ड डिवीजन इक्वल टू, और उसके बाद जो है फेल्ड इक्वल टू, जो फेल हो गए उनको भी हमें ऐड कर देना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अपियरिंग द एग्जामिनेशन आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में टोटल नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट्स इन अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन इक्वल टू, और चारों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है क्लॉथ मिल, एक कपड़ा मिल है, प्रोड्यूस इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर क्लॉथ इन थ्री ईयर्स, मतलब इतना 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 में तीन जो है बार जो है तीन सालों में उसने किया है। तो टोटल कितना जो है उसने प्रोडक्शन किया है, तो इन फर्स्ट ईयर, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, और जो है फर्स्ट ईयर इक्वल टू लिख देंगे, सेकेंड ईयर इक्वल टू, थर्ड ईयर इक्वल टू, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन थ्री ईयर्स इक्वल टू, तीनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3.2 आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और इसमें चार ही सवाल दिया हुआ है, तो आप इन चार सवालों को कर लेंगे फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करके व्हाट्सअप कर देंगे, सभी लोग इसको लगाते रहेंगे। तो अब जो है हम लोग इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।